Hey guys and welcome to the 64th episode of Kahani TV Presents Super News with Ranjan Thakur. इसमें हम बात करने वाले हैं जॉन क्रिसिन्स्की एज बैटमैन से लेकर न्यू एक्समैन तक सब कुछ. तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं. उससे पहले लाइक करने के लिए तो हमारे चैनल पर लास्ट संडे को हिंसा यार्था का सेकंड बुक यानी कि हिंसा यार्था गुप्त प्रयोग डी को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है. वेल, क्या आपने अभी तक ये चेक कर लिया है? अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर चेक. तो भाई, लास्ट वीक का सबसे बड़ा रूमर ये रहा कि दी बैटमैन यानी कि जो नए DCU का जो बैटमैन होने वाला है उसको कोई और नहीं बल्कि हमारे MCU के मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि जॉन क्रिसिन्स्की प्ले करने वाले हैं. इस पे जेम्स गन ने ये रिप्लाई दिया, हमने तो अभी तक कोई स्क्रिप्ट लॉक भी नहीं की है और फैंस यहाँ कास्टिंग कर रहे हैं, तो ये बस एक रूमर ही है. तो भाई, वहीं पर एक्सपांडेबल्स 4th पार्ट से बहुत सारे न्यू पोस्टर्स को रिलीज किया गया, या कह लो कैरेक्टर और एक्टर्स के साथ कुछ पोस्टर्स को रिलीज किया गया है. आप लोग पॉज करके देख लेना, मैं बढ़ता हूँ मेरे अगले न्यूज़ पर. तो हाँ, वैसे आप आराम से देख सकते हैं, थोड़े अगले न्यूज़ के लिए थोड़ा सा टाइम बचा है. तो यार, एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन फिल्म से डेडपूल नाम के कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है. वेल, उस मूवी में सही में डेडपूल का कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत कर दी गई थी और थैंक गॉड ये कॉन्सेप्ट आर्ट उस वक्त निकल कर नहीं आए, वरना फैंस तो सीधा ब्लैशिंग कर देते इस मूवी के. वेल, डेफिनेटली अपन अब इस न्यूज़ को जल्दी भूल जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं. वेल, बताते हुए काफी बुरा लग रहा है कि ब्लू बीटल पूरे डेकेड में DCEU के सबसे कम ओपनिंग वीकेंड्स कमाने वाली मूवी बन चुकी है. वेल, मूवी काफी बढ़िया है, मैंने इसका रिव्यू बनाया, वो आप चेक कर सकते हैं. बट पता नहीं इंडिया में DC के फैंस कहाँ चले जाते हैं मूवी रिलीजिंग के टाइम पे, बाद में वो सिर्फ हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलते हैं, ना कि सिनेमा घरों में. वेल, DC फैन अगर देख रहे हो तो जाके इस मूवी को सीरियसली जाकर देखो, थिएटर में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं, थिएटर में. तो यार, सोनी पिक्चर्स ने बता दिया है कि अपना जो स्पाइडरमैन 2099 है, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में इसको एक नया सूट मिलने वाला है जो कि कॉमिक एक्यूरेट होने वाला है. वेल, ये न्यूज़ ऑलरेडी मेरे फ्रेंड कॉमिक ट्रिक्स ने बहुत पहले अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पर दे रखी थी और मैंने भी इसको इस न्यूज़ पर रिपीट कर दिया, इसलिए मैंने वाली अली सर को इस न्यूज़ के क्रेडिट्स भी दे दिए हैं. तो हाँ, वाली अली के दो चैनल हैं, कॉमिक ट्रिक्स और कॉमिक ट्रिक शॉर्ट्स, तो अगर टाइम मिले तो वहाँ पे भी चेकआउट मार लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. वेल, ब्लू बीटल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बताया था कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के एंड क्रेडिट सीन में दिखे कैंसल्ड सीन में जो हमें जॉन स्टोवर का ग्रीन लैंटर्न दिखा था वो एक्चुअली ब्लू बीटल फिल्म के अंदर एक ब्रीफ एक्सपीरियंस करने वाला था. वेल, ये मूवी स्पेस से जुड़ी हुई थी इसीलिए इस करेक्टर का इस मूवी में दिखना सेंस भी बनाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस सीन को इस मूवी से भी डिलीट कर दिया गया, यानी कि जॉन स्टुअर्ट को कभी भी ऑफिशियली DCEU में इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं गया. वेल, इस पे आपका ओपिनियन क्या है मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. सुपर न्यूज विद रंजन ठाकुर के एपिसोड नंबर 64 का क्वेश्चन ऑफ द वीक है कि क्या कैप्टन अमेरिका द ब्रेव वर्ल्ड ऑर्डर में हमें द लीडर को दिखाया जाएगा सर्पेंट सोसाइटी के बिहाइंड द सिनेरियोज में? आपका जवाब का इंतजार रहेगा हमें कमेंट सेक्शन में, लिखिए #हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द वीक और आपका आंसर. और हाँ, हर वेडनेसडे को हम पॉडकास्ट भी करते हैं, तो उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.
दोस्तों बहुत लंबे समय से ये रूमर चल रहा है कि जेम्स गन अपने बूस्टर गोल्ड यानी कि नए डीसीयू में जो बूस्टर गोल्ड की टीवी सीरीज आने वाली है उसमें शायद से हो सकता है क्रिस पैट को एज लीड कास्ट कर ले। वेल, ये बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं होगा क्योंकि जेम्स गन अपने फ्रेंड्स को आइकॉनिक रोल में कास्ट करते रहते हैं, बट हाँ वो एक्टर भी कमाल के होते हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेल, नेटफ्लिक्स ने इसी हफ्ते ऑफिशियली रेबल मून जो कि जैक स्नाइडर की फिल्म है उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। वेल, नेटफ्लिक्स से पहले जैक स्नाइडर वॉर्नर ब्रदर्स को ये प्रोजेक्ट पिच करने वाले थे। सो दोस्तों, अगर नेटफ्लिक्स की बात कर ही रहे हैं तो उसके और एक एनिमेशन के लाइव एक्शन सीरीज की बात कर लेते हैं जो कि है वन पीस। वेल, अब ऐसे इसके मेकर्स ने बताया है कि जो एनिमेशन में नहीं दिखाया गया था ओरिजिनल आइडियाज उसको अब लाइव एक्शन सीरीज में कवर किया जाएगा। तो हाँ, दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी कॉमिक बुक सीरीज चलने वाली सीरीज वन पीस का लाइव एक्शन अडेप्टेशन हो रहा है और हाँ, इसके शायद से एपिसोड भी आना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। वेल, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर में भी सुपर न्यूज़ विद रंजन ठाकुर के एपिसोड्स को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और हाँ अब थ्रेड पर भी फॉलो कर सकते हो। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हाँ, हमारी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहें। तब तक के लिए बाय।